मैं इतफ़ाकन बोल सकते हैं मैं आया इस, इस इंडस्ट्री में क्या मैं बी टेक इंजीनियर हूँ क्या मैं उस टाइम नहीं जानता था बहुत सारे एक्टरों को यहाँ पर मैं एक एक्टर को जानता था जो है पवन जी को तो मैंने उनके साथ पहली फिल्म की जान जानलेबू का हो दिनेश जी के साथ मैं वो पहली फिल्म कर रहा था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा कि कॉन्ट्रोवर्सी करके एक नाम कमाना और अपने काम के बल पर नाम कमाना नाम है वही कर रहे हैं अब क्या जिनका नाम है वो अपने आप को बदनाम करके और क्या करना चाहते हैं मुझे पता नहीं तो इसका असर ऑडियंस आपके जूनियर्स आने वाले जनरेशन सब पे पड़ता है एक्चुअली इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं देखेंगे तो नहीं कि, कि किसी के पचड़े में पड़ता हूँ कोई फालतू चीज़ों में क्योंकि मैं अच्छे ज़िंदगी जीना चाहता था अच्छे से डिफरेंट तरीके से रहना चाहूँ वो मुझे अच्छा लगे मैं सीख ही रहा हूँ अब कब तक सीखेंगे देखते हैं मैं यही कहूँगा कि काम के बल पर काम करें तो ज़्यादा अच्छा है नमस्कार आप सबका स्वागत है यू मीडिया पे और मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह इस वक्त हमारे साथ एक अभिनेता हैं जिनके बारे में बताऊँ तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं अच्छा नाम है इनका इंडस्ट्री में विवादों से बहुत कोसों दूर रहते हैं तो आज इनकी जर्नी पे बात करेंगे कि सफ़र कैसे शुरू हुई फिल्मों में तो स्वागत करते हैं यू मीडिया पर गौरव झा जी का तो स्वागत है सर सरस् धन्यवाद और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आप लोगों ने यहाँ पर इन्वाइट किया इस इंटरव्यू में और यू को बहुत सारी शुभकामनाएं आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है सो तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आगे अच्छा काम करते रहिए सो so, सर मैं अक्सर जब किसी से मिलती हूँ जब उनकी जर्नी जानने की कोशिश करती हूँ तो सबसे पहला सवाल यही रहता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों चुना कैसे आए क्या जुड़ाव था भोजपुरी से क्योंकि अक्सर लोग बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनने का सपना देखते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री को या तो फिर वो तो सिंगर हो तो एक्टर बनता है या फिर होता है ना कि बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो कहीं और सफल नहीं हो पाए तो यहाँ पे अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते हैं और बाई चांस चमक जाता है तो आप उनमें से कौन है हाँ मैं इतफाकन बोल सकते हैं मैं आया इस इंडस्ट्री में क्योंकि मैं चेन्नई में पढ़ाई कर रहा था मैं बी इंजीनियर हूँ और वहाँ पर एक मेरे मित्र थे जिनके मामा जी प्रोड्यूसर थे तो उन्होंने बोला कि तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते हो तो मैंने बोला कि कौन फिल्म मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था मेरा तो फिर भी उन्होंने बोला कि जाके एक कर दो तो वहाँ पर एक मैंने वीडियो एल्बम किया उड़ीसा में जिसका नाम था निडा नयना जो कि वहाँ काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग था वो अभी भी अगर कोई उड़ीसा का आदमी हो या उड़िया दर्शक देख रहे हों तो वो लोग अच्छे से जानते हैं कि नेड़ा नयना ब्लॉक बस्टर सॉन्ग था वो पहला ही सॉन्ग और मैं बहुत टेंशन में आ गया था उस टाइम क्योंकि मैंने पहली बार शूटिंग देखा था मैंने उससे पहले शूटिंग देखा भी नहीं था और मुझे शूटिंग ज़बरदस्ती उतार दिया गया करने के लिए तो वो टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टेज पे एक्टिंग करना या स्टेज पे डांस करना और कैमरे के सामने करना ये बहुत दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं तो मुझे टेक्निकली कुछ पता था नहीं फिर भी मैंने परेशान होकर किया और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि अब दोबारा मैं इस आ, एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करूँगा जो है पढ़ाई करके जॉब करूँगा लेकिन वो गाना इतना बड़ा हिट हो गया कि बहुत सारे कॉल्स आने लगे गाने के लिए फ़िल्मों के लिए उड़ीसा उड़िया फिल्मों के लिए फिर बोला एक आके कर दो और मैं आपको सच बताऊं कि मैंने जब पहला गाना किया था उसका पेमेंट था ढाई हज़ार रुपये और दूसरा गाना इतना उतना हिट हो गया वो गाना कि दूसरे गाने के लिए मुझे फिफ्टी वन थाउजेंड ऑफ़र किए तो और बायदा मैंने सोचा इतना ए, दो दिन तीन दिन टाइम देने से इतने पैसे दे रहे हैं तो जॉब में भी नहीं मिलता <laughs> तो मैंने बोला कि चलो कर लेते हैं और मैं स्टूडेंट था तो घर से भी कितना पैसा आता होगा पॉकेट खर्च के लिए सबको पता है तो मैं बोला कि चलो अच्छा है करते हैं ये जॉब करके शायद एक महीने में इतना मिलेगा तो मैंने किया और वो गाना भी बाबुल सुप्रिया जी का था रंगा चढ़ई वो गाना भी हिट रहा जो डी जे में बहुत काफ़ी बजा होली में और वहाँ से फिर फिल्में करने लगा और यहाँ के कुछ मित्र थे जो भोजपुरी में काम करते थे तो उन्होंने बोला कि भोजपुरी में एक बार ट्राई करो मैं मुंबई आया नहीं था उस टाइम चेन्नई में पढ़ रहा था और वहाँ से उड़ीसा में काम कर रहा था तब मेकिंग वाइज भोजपुरी से काफ़ी ऊपर वो लोग मेकिंग करते थे उड़ीसा इंडस्ट्री और वहाँ के टेक्निक टेक्नीशियन बहुत स्ट्रॉन्ग थे जैसे आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर कभी लग बाय चांस चल जाते हैं लोग या कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है वहाँ पर सिंगर हीरो नहीं होते हैं जो एक्टर होते हैं वो एक्टर एक्चुअली दोनों जॉब अलग है और हम लोगों ने इसे मिक्सअप कर दिया है कि एक्टर सिंगर सिंगर एक्टर दोनों एक अपने अपने फील्ड में एक जर्नी है बहुत मेहनत करना पड़ता है अगर सिंगर बनना हो तो उसका भी अंत नहीं है कोई ट्रेंड सिंगर नहीं हो सकता कोई ट्रेंड एक्टर भी नहीं हो सकता है सब सीखते रहते हैं जिंदगी भर तो मैं फिर मुझे वहाँ यहाँ से ऑफ़र दिया गया कि करते हैं तो मुझे मतलब मैंने कुछ फिल्में देखी उठा के मैं उस टाइम नहीं जानता था बहुत सारे एक्टरों को यहाँ पर ये भोजपुरी जानते थे हाँ भोजपुरी मैं बिहार से हूँ और मैं नहीं जानता था कि वो कौन कौन से एक्टर वहाँ स्टार हैं क्या है नहीं है तो फिर मिला तो मैं एक, एक एक्टर को जानता था जो है पवन जी को पवन सिंह जी को क्योंकि लॉलीपॉप काफ़ी हिट हुआ था तो उस टाइम मैं उनके गाने और मैं उनका बहुत फ़ैन हूँ बहुत बड़ा तो एक फिल्म आई मेरे पास जान ले बुका हो तो किसी ने बोला कि पवन जी हीरो हैं और मोना जी हीरोइन हैं और उसमें एक सेकेंड हीरो का था तो मैंने बोला कि मोना मोना ऋषा जी को भी मैं जानता था क्योंकि वो उड़ीसा इंडस्ट्री से ही आई हैं वहाँ पर पहले काम करती थी तो मैं उनको भी जानता था तो मैंने बोला नहीं ठीक है ये लोग अच्छा करेंगे तो मैंने उनके साथ पहली फिल्म की जान लेबू का हो और वो भी मिथिला टॉकीज़ की फिल्म थी जिसके डायरेक्टर राजकिशोर प्रसाद जी राजू जी थे और वो पिक्चर भी अच्छी रही कॉमेडी फिल्म थी अच्छी सभी, सभी लोग जानते होंगे जान लेबू का हो उसके बाद मैंने कहर किया फिर काफ़ी मतलब हुँ? जो था वो लीड में था सोलो था फिर आ, मैं उड़ीसा में काम कर रहा था और फिर मुझे बहुत टाइम बाद सेम कंपनी का लुटेरे ऑफर हुई तो मैंने उस टाइम बोला कि नहीं अभी मैं थोड़ा अच्छा करेक्टर करूँगा तो उन्होंने बोला नहीं वो पहले तो ऐसा था लेकिन अभी लुटेरे में आपको पैरलर में अच्छे से रखा जाएगा ये जो कि उन्होंने किया भी और लुटेरे काफ़ी हिट पिक्चर साबित रहे फिर वहीं पर मुझे दिनेश जी के साथ में जिगर ऑफ़र हुआ दिनेश जी के साथ में वो पहली फिल्म कर रहा था और उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा और उनके उनके साथ ऐसा लग नहीं रहा था कि किसी सुपरस्टार के साथ काम कर रहे हैं बहुत फ्रेंडली बिहेव और इतना रिस्पेक्ट देते हैं अपने को आर्टिस्ट को कभी ऐसा छोटा नहीं समझते हैं किसी को भी बहुत प्यार करते हैं सबको तो हमें बहुत प्यार से उन्होंने उस फिल्म में हम लोग किए फिर उन्होंने वो बॉर्डर बना रहे थे फिल्म तो उन्होंने बोला कि ये पिक्चर में करना है परवेश लाल जी जो हैं उन्होंने बोला कि बॉर्डर फिल्म कर रहे हैं फिर बॉर्डर किया फिर वहाँ से एक जर्नी कर गैंगस्टर दुल्हनिया फिर किया मैंने सोलो में तो ऐसे करके काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चरें आती वैसे वजह से फिल्म मैंने भी देखी <laughs> तो गैंगस्टर दुल्हनिया किया फिर ऐसे ही चलते रहा फिर जर्नी आई uh, थिंक इसे बाय लक कहें या किस्मत कह सकते है? हैं मुझे खुद नहीं पता एक जो लड़का <laughs> जो सिंपल जिंदगी जीना चाह रहा था पढ़ाई करके जॉब करना चाह आ, रहा था ये लेकिन ये उसकी ये। किस्मत इस वक्त भोजपुरी के स्टार में नाम शुमार कर दिया है अगर बात की जाए एक्शन स्टार का या फिर रोमांटिक हीरो का तो गौरव झा जी का नाम सबसे पहले आता है इसलिए मैं मतलब कभी आप देखेंगे नहीं कि किसी के पचड़े में पढ़ता हूँ कोई फालतू चीज़ों में क्योंकि मैं अच्छे ज़िंदगी जीना चाहता था अच्छे से डिसेंट तरीके से रहना चाहूँ वो मुझे अच्छा लगता है और ये सब जो होता है तो इन सब जितने जाल में फंसते जाएंगे फंसते जाएंगे और कोई मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा मिलता है कि कंट्रोवर्सी करके एक नाम कमाना और अपने काम के बल पे नाम कमाना जिनका नाम है वही कर रहे हैं अब क्या है नाम है वही बदनाम है हाँ नहीं वो जिनका नाम है वो अपने आप को बदनाम करके और क्या करना चाहते हैं मुझे पता नहीं जिनका नाम है वो बदनाम है नहीं वो खुद को बदनाम कर रहे हैं और वो उन्हें लगता है कि वो खुद को बदनाम कर रहे हैं एक्चुअली इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं जो कि मैं दूसरे इंडस्ट्री में भी काम करता हूँ आप दूसरे इंडस्ट्री के एक्टरों को देखिए या कितने डिसेंट तरीके से उनका हीरोइज्म सिर्फ स्क्रीन पे दिखता है कभी उनसे पर्सनली देखिए मिलिए इतने पोलाइट इतने हम्बल रहते हैं वो लोग कि हम लोग मतलब चल्दक चल्दक चल क्या रहा है यूनिट में कहाँ हीरो पता ही नहीं चलेगा यहाँ मतलब पता नहीं कि क्या बोल सकते हैं कि भोजपुरी में ट्रेंड लोगों की कमी है दूसरे जगह जो आते हैं वो काफ़ी ट्रेंड होके पढ़ के आते हैं सीख के आते हैं चाहे किसी भी फील्ड में हो तो सीख के आते हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सीखा हूँ ट्रेंड हो हाँ मैंने दूसरे चीज़ों में पढ़ाई की है एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट से फिर मैंने कई जगह वर्कशॉप किया है बाकायदा एडिटिंग का पूरा कोर्स किया हुआ है तो मैंने एक बेसिक जो आना चाहिए वो चीज़ सीखा है मैंने अब उसके बाद तो धीरे धीरे काम करते करते जो काम का एक्सपीरियंस होता है वो तो काम करते करते ही अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ अब कब तक सीखेंगे देखते हैं तो ये सीखना कभी बंद नहीं होता है और आ, मैं यही कहूँगा कि काम के बल पे काम करें तो ज़्यादा अच्छा है कंट्रोवर्सी से मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कॉन्ट्रोवर्सी से इससे इंडस्ट्री का भी नाम ख़राब होता है क्योंकि आप जिस पोस्ट पे हैं आपको आइडियल मानते हैं जो आपके नीचे जनरेशन है वो ये सोचेंगे कि अगर हमारे जो सीनियर हैं ऐसे कर रहे हैं तो शायद मुझे भी यही करना चाहिए तो इसका असर ऑडियंस आपके जूनियर्स आने वाले जनरेशन सब पे पड़ता है तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए आज हम लोग साउथ सिनेमा तेलुगु तमिल इन सब की बातें करते हैं उन लोगों में यूनिटी देखिए, उन लोग में कभी एक दूसरे से मिलते हैं बहुत और इतना हम्बल चाहे वो स्टार आज कितने बड़े बड़े सुपरस्टार स्टार हैं आज वो लोग बॉलीवुड पे हावी पड़े हुए हैं क्या रीज़न है उस पा ने बवाल मचा रखा बवाल मचा रखा रीजन आप ओलो अर्जुन सर से देखेंगे सेट पे ऐसे लुंगी पहन के कमी शर्ट पहन के नॉर्मल रहते हैं उनका हीरोइज्म सिर्फ स्क्रीन पे दिखता है सारा स्टाइल सारा एटीट्यूड सब स्क्रीन पे नॉर्मल लाइफ में तो ना बोल नहीं सकते इतने हम्बल हैं वो लोग तो यही चीज़ होता है सारा एटीट्यूड स्टाइल स्क्रीन के लिए बचा के रखिए लोग वहाँ से आपको हीरो जानते हैं आपके ऑफ स्क्रीन से हीरो नहीं क्या आप बात बोली वैसे गौरव झा जी विवादों से तो एकदम कोसों दूर रहते हैं लेकिन फिर भी चर्चाओं में रहते हैं अब ये इसलिए क्योंकि तो इनका नाम अक्सर साथ जुड़ता रहता है। <laughs> ऐसा नहीं है आ, मतलब मैं सबके साथ काम किया हूँ कि आ, जैसा कोई मुझे नहीं लगता। अफवाहों को कैसे रोक सकते हैं अफवाह आप आपने क्या अफवाह आप सुना है कि मैं आप रितु सिंह को आजकल डेट कर रहे हैं इतनी सच्चाई है इसमें नहीं देखिए जब मैं पहली फिल्म किया था पहली नहीं जब हम लोग एक फिल्म किए थे बिन तेरे वो साथी रे वो पहली फिल्म थी हम दोनों की तो वहाँ से हम लोग की दोस्ती स्टार्ट हुई और उसके बाद फिर लुटेरे हम लोग किए थे जिसमें लुटेरे में वो पहले से कास्ट थी और उस फिल्म में तीन हीरोइन थी अक्षरा जी थी पूनम दुबे जी थी और ये रितु सिंह जी तो मेरे अपोजिट उसमें वो आ गई तो लोगों को लगा कि कब बैक टू बैक और वहीं जिगर जब हम लोग कर रहे थे तो जिगर करते टाइम भी वही हाल हुआ क्योंकि ये लोग इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं ये और मेरा क्यों सुनेंगे मैं बोलूँ और रख ले तो बैक टू बैक तीन चार फिल्में ऐसे लगातार आई तो लोगों ने नाम जोड़ दिया नाम जोड़ दिया तभी तो बस चल रहे हैं और इधर पिछले साल हम लोगों ने बहुत सारी फिल्में की क्योंकि राजू जी जो राजकिशोर प्रसाद जी जो हैं उन्होंने लुटेरे साथ में किया था तो उनको लगा कि नहीं तुम लोग का पेर बहुत अच्छा लगता है तो उन्होंने और तीन चार फिल्में एक साथ दो हज़ार में कर डाली तो ये वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसके साथ अभी कहाँ कर रहे हैं अभी तो मेरे ख्याल से छः आठ महीने से कोई फिल्म नहीं सब अलग अलग, -अलग. इंडस्ट्री में जुड़िया हिट है और जो जोड़िया जो 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 हिट हो जाती है वो चल पड़ते हैं और आपकी और रितु जी की आई थिंक जोड़ी इतनी लोग पसंद है कि वो एज अ कपल देखना चाहते हैं आपको तो देख ही रहे हैं अब तो क्या बोल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी जब तक हो नहीं जाता है अभी यहाँ पर देखिए जोड़ियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं लेकिन जो होना होगा वो होगा जो होगा सो दिखेगा ही

आपके चैनल पे डिक्लेयर करेंगे हाँ. मजाक चल <laughs> 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 तो पीछे से है हमारे कुछ अपोजिट पार्टी के लोग हैं जो आपको यहाँ पर भेजे चढ़ा कर नहीं <laughs> बहुत अच्छा लगता है कि और जो मतलब देखिए सबके साथ मेरे अच्छे हैं और सबके साथ काम कर रहे हैं और जिसके साथ रहना वो तो कोई एक ही होगा <laughs> <laughs> बात है वन <one> मैन <laughs> इसी बात पे जो बहुत सी आपके फैंस होंगे आपकी तो अभी तो कोई आपका शादी का प्लान नहीं होगा नहीं अभी नहीं अभी जब होगा तो मैंने बताया ना जब होगा तो मैं आपके चैनल पे तो सबसे पहले आप सब आप सब ट्राई कर सकते हैं नहीं, <laughs> नहीं अभी शादी का भी कोई प्लान नहीं है जब होगा तो आपको बता देंगे कहा इतने तारीख को शादी करने जा रहे हैं और इसके साथ करने जा रहे हैं आप ऐसा करिए ना अभी तो कोई फाइनल तो हुआ नहीं है तो क्या क्या, -क्या रिक्वायरमेंट है बता दीजिए हम ढूंढ लेंगे अरे बाप रे <laughs> ऐसे रिक्वायरमेंट खाने का मेन्यू नहीं है न, कि ये, ये, है, ये, ये होता ना कि खूबसूरत होनी चाहिए उसको कुकिंग नहीं नहीं आनी चाहिए मुझे थोड़ा सा पैम्पर करे थोड़ा केयर करे ऐसा समथिंग वो जो चाहिए सबको एक ही चाहिए कहने की बात है केयरिंग होनी चाहिए या लड़का हो या लड़की हो सबको ये सेम ही चाहिए होता है नहीं मिलता है तो भी एडजस्ट करके लोग रहना पड़ता है लोगों को रहना ही पड़ता है वो जो जो शादी कर चुके हैं मैं उनका सुना कह रहा हूँ जो झेल रहे हैं बेचारे एडजस्ट कर करके। <laughs> तो, हाँ, कि, 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 किसी को अच्छा मिल जाता है तो बहुत सुखी इंसान है नहीं भी मिलता है तो रहना ही पड़ता है एक भाई साइड से हंस रहे हैं लगता है वो भी कुछ झेले कुछ झेल रहे है <laughs> तो, यही करेंगे कि घर वाले ढूंढ कर लेकर आएंगे अब जो भी होगा मैंने आपको बताया जो भी होगा उन नाम के साथ सब आपको बता दिया जाएगा अरे बाप रे <laughs> चलिए शादी से पहले ओके तो यूनियन मीडिया के दर्शक भी इनवाइट है हाँ। अभी से अभी हाँ अभी से इनवाइट है मैं डेट भी अनाउंस करूंगा इसी पे अरे बस भी <laughs> <laughs> लोग वेट करने लगेंगे हाँ <laughs> भूल गए क्या गौरव जी बता के अभी डेट फाइनल नहीं है तभी कैसे बता सकते लेकिन जब की तो फाइनल करिए लड़की बता दो मेरा नाम भी डेट बाद में डेट नाम सब एक साथ बताऊंगा चलिए ठीक है मान आखिरी में हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए और हमें हम मेरे साथ साथ पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री को जितना प्यार देते हैं सबको ऐसे ही प्यार दीजिए और ऐसे ही गाने अच्छे अच्छे गाने देखिए अच्छी अच्छी फिल्में देखिए आज आप लोग के वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री बदली है जो आज आ, ये सवाल पूछ रही हैं तो इन्होंने एक भी बार नहीं पूछा अश्लीलता के बारे में क्या कहेंगे क्योंकि बदल चुकी है इंडस्ट्री अभी अश्लील गाने अश्लील सीन्स डायलॉग सब लगभग फिल्मों से बंद हो चुका है जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो एल्बमों पे लग रहे हैं कि एल्बमों का सेंसर नहीं होता एल्बमों का कोई माई बाप नहीं है सो मैं यही कहूँगा एल्बम इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ ज्वाइंट मत कीजिए फिल्म इंडस्ट्री बदल चुकी है फिल्म इंडस्ट्री में अब साफ़ सुथरी फिल्में बन रही हैं जो अश्लीलता है वो एल्बम में है एल्बम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा धन्यवाद तो so, ये थे गौरव झाजी जिनसे बात करके सच में मुझे बहुत मजा आया खैर ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़ के लिए बने रही हमारे साथ और देखते रहिए यू एन एन मीडिया